हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम द हिंदू एनालिसिस, हिंदी करंट अफेयर्स 10 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स के साथ में, जो कि द हिंदू का एनालाइज किया गया है, उसको लेकर आए हैं। द हिंदू पेपर, जो कि जिसकी वोकैब्स काफ़ी टफ होती हैं, इंग्लिश की वोकैब्स काफ़ी टफ होती हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में एनालाइज करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो हम आज इनके बारे में, इनके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो एक जो टॉपिक है, ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकी। तो हमारे जो अमेरिका प्रेसिडेंट है, जो ट्रंप भाई साहब हैं, उन्होंने WHO की फंडिंग रोक दी है। और जो भी दिक्कतें और परेशानियां बताई हैं, वो कहा है कि WHO के कारण हुई हैं। WHO अगर हमें समय पर बता देता और सही चीज़ें बता देता, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम रोक सकते थे। मतलब कि ये तो वही बात हो जाती है कि अगर कोई भी समझ में ना आए, तो अपने बचाव के लिए किसी और पर दोषारोपण कर देना। तो फाइंडिंग अ स्केप गॉट इन WHO, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा WHO को ब्लेम करते हुए कहा गया कि यह एक चाइना सेंट्रिक संस्था है, जबकि ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसको सबसे ज़्यादा यूएसए के द्वारा ही फंड दिया जाता है। तो हमारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा का यह कहना है कि जो ये WHO है, जो कि यूएन की स्पेशलाइज्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एजेंसी है, और इसी के द्वारा, इसको यूएन के द्वारा ही सबसे ज़्यादा फंड दिया जाता है, पर यह क्या है, चाइना सेंट्रिक है। मतलब कि ये चाइना के फेवर को लेती हुई दिखाई दे रही है, और इसने चाइना के जितनी भी चीज़ें हैं उसको काफ़ी बार बचाव किया है। और जो महामारी फैली हुई थी, इसको इसके बारे में इसको बहुत पहले से पता था, पर इसने लेट अपडेट किया है लोगों को, जिसके कारण ये महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। COVID-19 के कारण लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ रही है। तो और यूएसए की फंडिंग जान लेते हैं। यूएसए की फंडिंग है 14.67%, और जबकि इसके अलावा बाकी जो चाइना की फंडिंग है वो अप्रॉक्स 0.3 के समथिंग है, और फिर भी WHO को चाइना सेंट्रिक कहा जा रहा है। हालांकि इनके, और यहाँ पर इन्होंने, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि ट्रंप ने WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी, तो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था, अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये चाइना सेंट्रिक एजेंसी देखें नज़र आ रही है, इस कारण से हम इस पर बैन लगा रहे हैं, क्योंकि इसके फंडिंग पर बैन लगाएंगे, क्योंकि जब ये फ़ायदा ही नहीं कर रही है तो क्या मतलब है इसको हमारी फंडिंग देने का। फिर उसके कुछ ही समय बाद में, इनके द्वारा कुछ समय बाद अपना स्टेटमेंट जो था वो वापस लेते हुए कहा गया कि अभी ऐसी परिस्थितियों में बैन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये सब जो महामारी के कारण ये जो नुकसान हुआ है और जो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और WHO की लेट अपडेट्स के कारण, लेट इन्फॉर्म करने के कारण जो परेशानियां हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो WHO का भी यही कहना है। WHO भी कहते हैं कि जो हमारा बजट है वो 4 बिलियन है, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक इमरजेंसी एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स के आने के कारण हमारा अप्रोक्स जो बजट होना चाहिए वो 10 मिलियन के समथिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, और इनका बजट क्या है, 4 बिलियन के समथिंग है। WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO एक एजेंसी ऑफ अ यूएन रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ। WHO एक संस्था है यूएन की, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड की पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1946 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो पब्लिश करती है, ये WHO के द्वारा ही पब्लिश होती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, क्या COVID-19 के द्वारा ग्लोबलाइजेशन पर प्रभाव होगा। मतलब कि इसका एक नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट आर्टिकल है, वो ग्लोबलाइजेशन और COVID-19 को रिलेट करते हुए बोला गया है कि COVID-19 के कारण ग्लोबलाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण से तात्पर्य यह है कि विश्व के लगभग सभी देशों का व्यापारिक मुनाफे के को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे पर व्यापारिक संबंध होना। पर देखा जाए तो भारत सहित अनेक देशों के लिए चाइना एक क्या था, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। हालांकि भले हम ये कह सकते हैं कि जेनरिक मेडिसिन के लिए
और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमारा भारत खुद मैन्युफैक्चर करता है, पर जो भी जो जेनरिक मेडिसिंस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो मेडिसिंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम चाइना से लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर दिक्कतें हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमारे महामारी फैलने के कारण चाइना में बैन लग गया, और चाइना में बैन इसलिए लगाना ज़रूरी था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब होने के साथ साथ में ये पैंडेमिक का भी इनिशियल पॉइंट था, प्रारंभिक केंद्र जो था वो चाइना ही था, जिसकी वजह से अन्य देशों ने चाइना से क्या किया, इम्पोर्ट पर रोक लगा दी, और महामारी और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक डाउनफॉल सभी देशों में होने लगा, और इकोनॉमिक डाउनफॉल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और देखा जाए तो हाल ही में जो 2008 में सॉरी 2008 में जो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, उसमें ट्रेड और जीडीपी के अगर देखा जाए तो जीडीपी और ट्रेड में 10% और 3% का डाउनफॉल हुआ था। इसी को देखते हुए WTO ने कहा है कि इस परिस्थिति को देखकर लगता है कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो 32% तक नीचे चला जाएगा। भारत का आज की डेट में ये कंडीशन है कि भारत में 50% से जो MSME जो क्षेत्र हैं, लघु उद्योग, लघु एवं मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा रोजगार भी प्राप्त होता है, वो आज की डेट पर बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई रॉ मटेरियल्स ही नहीं है, तो वो क्या उद्योग करेंगे, क्या उद्योग में मैन्युफैक्चर करेंगे। अतः इस आर्टिकल से निष्कर्ष निकालते हुए जो राइटर्स है वो कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अब आगे चल के जो देश में ध्यान दिया जाएगा, तो इस पैंडेमिक्स के बाद में जो हमारी पहला प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि हम क्या करें, हम अपने देश में बेरोजगारी को कम से कम करने की कोशिश करें, और साथ में इसके अलावा पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक हेल्थ पर ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोशिश हो सके हम आत्मनिर्भर रहें, स्वनिर्भर रहें, और दूसरे देशों पर कम निर्भर होने की कोशिश करें। दिस इज़ द हिंदू एनालिसिस ऑफ द 10 अप्रैल 2020। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पर ही होंगे, आदेश का सरकार के आदेश का पालन कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।